हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लवली क्रिएशन। आज मैं आपको बताऊंगी प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करें। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और मैंने इसको अर्ज में फ़ोल्ड कर लिया है। अपनी तरफ मैंने खुली साइड रखी है और इस तरफ है ये फोल्ड साइड। मैं इसको अच्छे से बिछा के बराबर कर लूँगी। अब फ्रेंड्स, हम इस पे अपने प्लाजो की ड्राफ्टिंग बनाएंगे। सबसे पहले आधा इंच ऊपर की तरफ हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम लेंगे हिप का तीसरा, जो हमारा आएगा 15। 15 पे मैं मार्क करूँगी और इसी पॉइंट से मैं आगे की तरफ हिप का तीसरा प्लस 2 करूँगी, जो आएगा 17। अब इस लाइन को मैं सीधा कर लूँगी। अब फ्रेंड्स, मेरी प्लाजो की लेंथ है 37। नीचे से फोल्ड करने के लिए मैंने 2 इंच लिया है, तो हमारा आएगा 39। ऊपर की बेल्ट जो है हम अलग लगाएंगे। 39 पे मैंने ये मार्क कर दिया। इस लाइन को भी हम बिल्कुल सीधा बना लेंगे। अब ये जो पॉइंट है, इससे हम अंदर की तरफ लेंगे हिप का 12वां हिस्सा माइनस आधा इंच, तो आएगा हमारा 3। 3 पे हम अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे और इस लाइन को भी स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। अब इसको मैं गोल शेप दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी लाइन है, इसका हम आधा लेंगे, यानी कि 17 का आधा है 8.5। 8.5 पे मैं मिडिल पे बिल्कुल मार्क करूँगी। अब इस लाइन को मैं बिल्कुल यहाँ से भी हम 8.5 लेंगे और लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम अपना बॉटम लेंगे। बॉटम है मेरे 24 और 24 का हाफ है 12। 12 को मैं इस तरह से, 12 का हाफ 6 है, 6 को मैं इस तरह से बीच में बिल्कुल रखूँगी और दोनों तरफ से मैं 6-6 इंच पे मार्क करूँगी। अब इन मार्क्स को हम स्केल से मिला लेंगे। इस तरह से देखिए, हम शेप दे देंगे इसे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से इसको शेप करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमें कोई मार्जिन नहीं लेना अभी। इस साइड से हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे। ऊपर से जो हमने आधा इंच छोड़ा था, उसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट कट गए हैं। हम इसे साइड रख देते हैं। जो बाकी का कपड़ा है, इस तरह से हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे और इसको भी बिल्कुल बराबर में बिछा लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने जो फ्रंट के 2 पार्ट काटे थे, उसमें से हम ये वाला जिस पे के निशान लगे हुए हैं, उसको इस कपड़े पे इस तरह से अच्छे से बिछा लेंगे। लेकिन उससे पहले हम ऊपर से 1 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि कई बार हम जब हम प्लाजो पहनते हैं तो पीछे से कपड़ा खिंचता है बैक साइड का, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा लेके चलना होता है। हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और इसी लाइन से अब फ्रंट वाले इस पार्ट को हम बिछा लेंगे। अच्छे से हमने बिछा लिया है इसे। अब इस लाइन पे हम बराबर में बिल्कुल मार्क कर लेंगे।
फ्रेंड्स पीछे का जो बैक का पार्ट होता है वो हमेशा ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है, तो हम यहाँ से लेंगे बैक पार्ट के लिए 2 इंच। हमने जो मार्जिन नहीं लिया था पहले, अब हमारा मार्जिन भी इसी के अंदर आ जाएगा 2 इंच के अंदर, लेकिन बॉटम में हम सिर्फ 1 इंच लेंगे क्योंकि हमें बॉटम ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। अब इन सारे मार्क्स को हम मिला लेंगे। इसे भी आप स्केल से बिल्कुल इसी तरह की शेप देनी है। अब चलो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। इसको जो हम हटा लेते हैं ऊपर से, जब हम काटेंगे तो फ्रेंड्स हम तिरछा काटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बैक के दो पार्ट भी कट चुके हैं, अब हम इनको स्टिच करेंगे। ये फ्रंट के हैं दो पार्ट, टोटल हमारे पास है 4 पार्ट। तो चलिए हम इसका आसन जॉइंट कर लेते हैं। इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे, तो चलिए लगा लेते हैं सिलाई। अब ये हमारा फ्रंट, फ्रंट को भी हम इसी तरह जॉइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बैक पार्ट, बैक पार्ट को हम इस तरह से सीधा बिछाएंगे। और उसके ऊपर हम फ्रंट को सीधा है और ये फ्रंट को हमने उल्टा बिछाना है इस तरह से। और हम इसके अब साइड्स भी सिल लेंगे। ये देखिए बॉटम तक हम इसके साइड्स को सिल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी दोनों साइड्स को सिल लिया है, दोनों साइड से ये जो है अब जॉइंट हो गया है। अब हमें बीच से इसकी म्यानी सिलनी है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे बॉटम से शुरू करते हुए। तो चलिए पहले हम सिलाई लगा लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यानी ये जो आसन की सिलाई है इससे थोड़ा सा दूरी पे हम इसे लाइन छोड़ देंगे और दूसरे बॉटम से शुरू करेंगे, क्योंकि कई बार जो है ये जो आसन की सिलाई है ये आगे पीछे हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिलाई है मियानी की, ये देखिए नीचे से एक बड़ा और एक छोटी हो गई है, आगे पीछे हो गई है। ऐसा कपड़ा खींचने की वजह से हो जाता है कभी कभी, तो हम इसको यहाँ पे जो ज़्यादा बड़ा हुआ है उसको हम एक चुन्नट लगा के इस तरह से सिल लेंगे, तो ये यहीं पे एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप छोटी सी चुन्नट यहाँ पे लगा सकते हैं, तो पता नहीं लगेगा किसी को। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके जो बॉटम है उसको फोल्ड करेंगे। बॉटम हमने 2 इंच लिया था, तो हम 2 इंच तक इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्लाज़ो लगभग बन चुका है। हमने इसके बॉटम फोल्ड कर लिए हैं। अब हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक के लिए हम अलग से सीधी पट्टी काटेंगे, तो चलिए हम इसके लिए पहले पट्टी काट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीधा कपड़ा लिया है क्योंकि मुझे सीधी पट्टी काटनी है। अब 2-2 इंच चौड़ी में पट्टी काटूंगी, क्योंकि मेरे इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच है, इसलिए मैंने आधा आधा इंच मार्जिन लेके 2 इंच की पट्टी काटी है। मैंने 2 पट्टियां काटी हैं क्योंकि इसमें बीच में जॉइंट होगा। चलिए हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हमें जितनी भी नेफा हमें चाहिए, मेरा है 26, 26 में मैंने 1+ किया है मार्जिन के लिए, क्योंकि यहाँ से जॉइंट होगा। तो चलिए मैं इसे जॉइंट कर लेती हूँ पहले। फ्रेंड्स, जॉइंट होने के बाद ये ऐसा है आया है। देखिए, हमें इसे अपने प्लाजो में जॉइंट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। इसे लगाने का क्या तरीका है, जितनी भी आपकी हिप है उसका इलास्टिक डबल इलास्टिक में आप उसका आधा लेंगे और उस पर मार्क करेंगे, और उसी पॉइंट से फिर 6 इंच कम करेंगे। तो जहाँ 6 इंच कम किया है वहाँ पर हम काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी इलास्टिक हमारे बेल्ट में लगेगी। तो सबसे पहले हम बेल्ट को जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए, सीधे प्लाजो पे मैंने बेल्ट को इस तरह से जहाँ पे जॉइंट है उल्टा रखा हुआ है, और आधे इंच की मैं सिलाई लगा लूँगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेल्ट जॉइंट कर लिया है। अब मैं ये जो मार्जिन का कपड़ा है इसको इस तरह से दबा के इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी ताकि ये बैठ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको आधा इंच इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से मैं मोड़ लूँगी जहाँ तक कि हमारी सिलाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी आपकी इलास्टिक है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे 1.25 इंची ज़्यादा आप फोल्ड करेंगे ताकि इलास्टिक इसमें इजीली अंदर जा सके इसके। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलाई लगा के मैंने इतना कम से कम 1.5 इंच कपड़ा जो है बिना सिलाई के छोड़ दिया है ताकि इसमें इलास्टिक डल सके। तो एक सेफ्टी पिन की मदद से आप इलास्टिक डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह इसको कपड़े को बिछा के आसानी से आप इलास्टिक डाल सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इलास्टिक जब आप डालें तो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, अंदर ऐसे ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए। ये जो मैंने फोल्ड है 1 इंची से ज़्यादा रखा है इसलिए इलास्टिक आसानी से इसमें जा पा रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ से हमने इलास्टिक इस तरह से निकाल लिया है और अब हम इसको दोनों इलास्टिक को पकड़ के, बिल्कुल सीधा सीधा रहना चाहिए इलास्टिक अंदर की साइड, हम इसको यहाँ पे पक्का कर लेंगे सिलाई से। हम इस अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, खींच लेंगे। और अब ये जो कपड़ा बिना सिलाई का हमने छोड़ दिया था इसे हम फिर से सिल देंगे। इलास्टिक के ऊपर नहीं सिलाई लगानी, नीचे लगानी है कपड़े पे। तो चलिए हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इलास्टिक पूरी अंदर की तरफ लॉक हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कपड़ा है इसके ऊपर बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये ट्विस्ट ना हो, अंदर अंदर मुड़े ना। तो चलिए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। पहले सिलाई लगाने के लिए आपको इलास्टिक को दोनों तरफ से खींचना पड़ेगा और फिर इस तब इसके ऊपर आप सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अगर आपके पास हाथ वाली मशीन है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये पैर वाली मशीन पे इजीली हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा प्लाजो बन गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना, और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।